सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी शहीद भगत सिंह नगर नवाशहर से और बलाचौर तहसील से नवा पिंड टिप टपरिया जो ये गांव है अन्नी भाई के यहां से वीडियो लेके आ रहे हैं। पहले भी इनके यहां पे वीडियो शूट किया है और आज एक और वीडियो लेके आ रहे हैं इनकी भैंसों की। तो अनि भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपका हमारे फार्म में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनि भाई कितनी भैंसे दिखाओगे वीडियो में? आज हमारे पास 9-10 भैंसे हैं जी। बिक्री वाली है या बिकी हुई? ये सभी घर रखने वाली, बिक्री वाली भैंसे आती रहती रूटीन में, अभी बिक गई हैं, अभी सभी घर वाली जोटी हैं जो घर पर रखी हुई हैं। ये सारी घर पर रखी हैं? हाँ जी भाई साहब। तो कितनी है जी? ये सही 8 जोटियाँ हैं। 8 जोटियाँ हैं? हाँ जी। ठीक है, खोल के ले आओ भाई एक नंबर को। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो ये भैंसे हैं 7-8, ये आपको और एक एक जो भैंस है वो आपको दिखाते हैं, खोल के ले आते हैं एक बार इधर। तो अनि भाई इस ये जो टीआर ये इसके बारे में बताओ भाई साहब। ये दूसरे ब्याह की जोटी है, मुंह से 6 दांत है। हाँ, अभी ये 4-5 मंथ की ब्याही हुई है, 1.5 मंथ की इसकी AI हुई हो रखी है। ठीक है, अभी हाल में इसके नीचे 13.5-14 लीटर दूध तैयार है आटे वाला, और ताजी ब्याही ने इसे 16-17 लीटर दूध दिया इसमें। बहुत सुपर फास्ट चौवाई की जोटी है ऐसी। अच्छा। 100 में से 1 जोटी होगी इसी चौवाई। कितना दूध दिया बताया ताजी ने? 16-17 लीटर दूध दिया भाई साहब। 16 से 17 लीटर दूध ताजी ब्याही हुई ने दिया है। देखिए साफ सुथरे अडर की, साफ सुथरे थनों की। और आज कितने महीने की ब्याही हुई हो चुकी है? ए भाई साहब 4-5 मंथ की ब्याही हुई होगी। 4-5 महीने की फिलहाल ब्याही हुई है और 14.5 किलो दूध अभी दे रही है मौके पे। तैयार है, मौके पे तैयार है। ठीक है ठीक है। और 2 नंबर पे देखिए खूबसूरत जो है बूरी जोटी, ये बताओ जी भाई साहब। ये भी 4-5 मंथ की ब्याही हुई है, 1.5 मंथ की इसकी AI हुई हो रखी है। अभी हाल में इसके नीचे 13 लीटर दूध तैयार है कांटे वाला, सभी भैंसों के नीचे। अच्छा, 13 किलो दूध कांटे का इसके नीचे। ठीक है। और ये गैबिन है? ए भाई 1.5 मंथ हो गया इसको AI हुई को, 1.5 महीना हुई है। ठीक है ठीक है, 1.5 महीना ब्याही हुई को हो चुका है, गैबिन हो चुकी है। देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर साफ सुथरी जोटी, बिल्कुल छोटे सींग की, भूरे कलर की सिंगों की क्वालिटी हर भैंस की आप देखोगे लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा जो है कलर की जो है समस्या, क्योंकि जो है एक साइड धूप है, दोपहर के टाइम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। क्वालिटी देखिए जोटी की, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत। इससे आगे एक और बूरी जोटी, ये अनि भाई जे भाई साहब अभी दूसरे ब्यात में ब्याएगी, 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ। मुंह से 6 दांत है अभी। हाँ हाँ। पहले ब्यात में इसने दिया है 14.5-15 लीटर दूध, 14.5-15 किलो दूध पहले ब्यात में दिया है। देखिए बिल्कुल छोटे सिंग की और बहुत बड़े साइज की जोटी है, 14.5-15 किलो दूध दिया हुआ अभी 6 महीने की गैबिन। 6 महीने की गैबिन है भाई साहब। एक मिस हो गई थी तो दूध कम है, नहीं दूध अच्छा था इसका, 3 मंथ की खाली होनी चाहिए थी। अच्छा, तो अभी कितना दूध बताया? अभी इसके नीचे 6 लीटर दूध है भाई साहब। 6 लीटर दूध मौके पे तैयार है। देखिए बहुत ही बढ़िया थनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जोटी की। इस एरिए में बिल्कुल छोटे सिंग की साफ सुथरी जोटियों को पसंद किया जाता है। एक और ये कमज़ोर सी अनि भाई, ये कहाँ से ले आए भाई साहब? ये ताजी ब्याही तो हमारे पास से गई थी, हरियाणा से आई थी जोटी। ये जहाँ बेची थी ना उनके पास एक जगह बांध के रखते थे। अच्छा। शेड में बांध के रखते थे, 30-35 पशु की डेयरी थी। हाँ। और इसको 3-4 महीने पहले इसके मुंह खुर की बीमारी आ गई थी। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से ये ज़्यादा कमजोर होगी जोटी। ठीक है, कितना दूध दिया है इसने जी? 12 लीटर दूध दिया भाई। अभी गैबिन? अभी 6 मंथ की गैबिन है, 5 लीटर दूध है। 6 महीने की गैबिन, 5 लीटर दूध मुँह खुर में आने के बाद भी जब मैं इसको लेके आया था 5-6 दिन पहले, इसके नीचे 1-1 लीटर दूध था, अभी इसके नीचे 5 लीटर और 1-1 लीटर दूध और बढ़ा जाएगी ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुखुर में आने के बाद बहुत सारी वैसे तो दूध से ही हट जाती हैं, लेकिन अच्छी जोटी है। एक और सुंदर जोटी, ये भाई साहब? भाई साहब ये जोटी ली थी हमने सिंगमा खास से ली थी। ठीक है, ये जोटी 4 दांत है, मुंह से 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी 6 लीटर दूध से और 7 लीटर दूध तैयार है मौके पे। 6-7 लीटर दूध अभी भी दे रही है। और गैबिन कितने महीने की बताई? 7.5 मंथ की है भाई। 7.5 महीने की, देखिए बिल्कुल छोटे सिंग की, सिंगवा खास गांव से आई है, बिल्कुल जेड ब्लैक है, काली पूंछ की है और प्योर जो है ब्रीड मुर्रा नस्ल की। ये देखिए लंबाई ऊंचाई काफ़ी अच्छी, थोड़ा सा अंदर रहने के कारण इसका भी जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप पे आपको दिखाई दे रहा है जी भाई। डेयरी में जा रखी थी ना, वहाँ अंदर बांध के रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये भी दूर कहीं से लेके? हाँ, आए हो? ये भी ली है। ठीक है ठीक है। ये देखिए जी काफ़ी बढ़िया जोटी है भी, और बहुत ही शरीफ है, सबसे शरीफ जोटी यही है। सींग देख सकते हैं बिल्कुल छोटा,
एक और आगे जोटी छोटे सिंह की, ये बताओ जी भाई साहब, ये चार दांत है मुंह से, इसको 28 तारीख को सातवां महीना लग जाएगा, मौके पे इसके नीचे 9, 9.5, 10 किलो दूध तैयार है अभी। 9 से 10 के बीच में है। हाँ जी ठीक है। और 8 महीने के लगभग होगी ये, सातवां 28 तारीख को सातवां महीना स्टार्ट हो, 6 पूरे हो जाएंगे। 6 पूरे होके 28 को सातवां महीना लग जाएगा। देखिए बिल्कुल छोटे सिंह की, बहुत ही बढ़िया, ये भी लंबाई ऊंचाई की अच्छी है। और इन इस हमारी जो ब्रीड है भैंसों की, इसको जाना जाता है लंबे टाइम दूध देने के लिए। 7-7 महीने की ब्याई जोटियाँ 9 से 10 किलो दूध दे रही हैं। मोस्टली जो 80% इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे 9 लीटर दूध ताज़ी ब्याई हुई भैंसे देती हैं, 8 लीटर दूध, 7 लीटर दूध। लेकिन ये नस्ल सुधार पे जो काम हुआ है उसी का मैं कहूँगा नतीजा है। इससे आगे फिर एक और जोटी भैंस देखिए, ये भाई भाई साहब ये तीसरे ब्याह ब्याएगी अब इसको 28 तारीख को चौथा मंथ स्टार्ट होएगा। अभी 14.5 किलो कांटे का दूध तैयार है। 14.5 किलो ताजी ने कितना दिया है? इसने 18 लीटर दूध दिया है। तो इनमें कोई बेचने वाली भी आनी भाई? इनमें कोई बेचने, ताजी बेचेंगे, हमारे पास आती रहती है बिक्री, इसी क्वालिटी की जोटी आती है बिक्री के लिए। हाँ हाँ। और बढ़िया जोटी लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। कितनी मिल जाती है लगभग? 4-5-2 जितने भी चाहिए मिल जाएंगी भाई। अच्छा, तो कौन से एरिए के ग्राहक आते हैं ज़्यादातर? हमारे तो जहाँ लोकल के ग्राहक है चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, होशियारपुर। ठीक है ठीक है। हिमाचल भी नज़दीक है उधर? हिमाचल भी हमारे 60 किलोमीटर है, यहाँ से आते हैं उधर से। हाँ, उधर से ग्राहक आते हैं। ठीक है ठीक है। गाय भी रखी है जी? हाँ, गाय का घर के लिए रखी हुई है। तो ये कितना दूध देती है भाई साहब? इसके नीचे 20 लीटर दूध तैयार है। 20 लीटर। और ये दो कटड़ियाँ खड़ी हैं बीच में, ये वाली? ये दोनों कटड़ी बिक्री के लिए अवेलेबल है भाई साहब। अच्छा, ये छोटे वाली कितने की बेचनी है भाई साहब? ये दे जाएंगे 7000 की। 7000 की? हाँ जी। 18 लीटर वाली भैंस की कटड़ी है, डेयरी में थी भैंस, उसकी कटड़ी है, एन प्योर 18 लीटर वाली भैंस की कटड़ी है ये। ठीक है, कमजोर है लेकिन। कमजोर है डेयरी में रहने की, तभी 7000 कीमत है। हाँ जी। और ये बड़ी कट्टी? ये भाई साहब 21-22 मंथ इसकी एज है, ये दे देंगे कट्टी 38000 रुपए की। 38000? हाँ, 38 की। और इसकी उम्र कितनी बताई? ये 21-22 मंथ की है। 21-22 महीने की, ठीक है। हाँ जी। तो ये देखिए जी, दो कटड़ियाँ बिकाऊ हैं, बाकी ये वैसे आगे ताजी ब्याई हुई जब होंगी तब भाई साहब बेचेंगे। बहुत ही साफ सुथरी वैसे अच्छी क्वालिटी की बाखड़ी भैंसों का भी अभी आधे टाइम पे भी देखिए ऑर्डर काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। कैसी लगी वीडियो भाई साहब के नंबर मैं दे रहा हूँ। लगातार भाई साहब का कहना है कि 4 से 5 वैसे इनके पास बिक्री वाली मिलती रहती हैं। तो इस एरिए के जो भाई हैं वो संपर्क कर सकते हैं साफ सुथरी छोटे सिंह की भैंस इनसे लेने के लिए। नमस्कार, कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।